सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। उनकी बैलेंस साइड है, जैसे उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है सारी, और कई पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी गेम काफ़ी इम्प्रूव करी है, तो एक वो कॉम्पिटिटिव साइड है। और हैट्स ऑफ टू देम, जैसे उन्होंने कल गेम खेली और वहाँ से गेम खींची है। तो जब आप ऑलराउंड अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, और तीनों डिपार्टमेंट का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो अच्छा फिर रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। एंड अभी अब जैसे कल उनको उनके अगेंस्ट खेलेंगे, तो जो जिस प्लान से हम पिछले मैच में गए थे, क्योंकि यहाँ की आई गेस कंडीशंस काफ़ी सेम रहेंगी और हर एक प्लेयर के अपने इंडिविजुअल प्लान रहते हैं, तो वो अपने प्लान के मुताबिक करेंगे। और जैसे अगर हम अपनी बॉलिंग टीम बॉलिंग उसकी बात करूँ, तो हमारे बॉलर्स के जैसे उनके बैट्समैन के वीडियोज़ देख के सारे उनको वो प्लान करेंगे और रिवाइज करके दोबारा कल मैच के लिए तैयारी करेंगे। नहीं ऐसे ये नहीं था कि अभी विराट नहीं है तो हमारे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऑफकोर्स ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिधर हम जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको मौका दे सकते हैं, और जैसे जो मिडल ऑर्डर पे हमारे को और पता चल लग सकता है कि और कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमारे लिए लंबे सिरे तक खेल सकते हैं। और क्या कहते हैं, विराट हो या नहीं हो या जैसे मैं और रोहित हैं, तो हम हर एक मैच को उसी हिसाब से खेलते हैं। जैसे कोई अगर बायलैटरल सीरीज हो रही होगी या कुछ भी, तो सेम एफर्ट सेम प्रोसेस रहता है, और अच्छा लगता है कि रन बना रहे हैं। और एज अ प्लेयर आई गेस कि कोई भी प्लेयर यही चाहेगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो, हर एक मैच में अच्छा कर सके, तो प्लेयर की तो हमेशा यही सोच रहती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कि फोकस बढ़ जाता है, आई गेस कि मालिक की मेहर है कि बड़े टूर्नामेंट में हो जाता है। मेरे लिए ऐसा कोई ये नहीं कि भाई ये बड़ा टूर्नामेंट है, वो बड़ा टूर्नामेंट, मेरे लिए इंग्लैंड सीरीज भी बड़ी हो सकती है इस टूर्नामेंट से ज़्यादा, तो वो सोच की बात है। और जैसे मैंने बोला कि मैं अपने प्रोसेस ओरिएंटेड बंदा हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरा प्रोसेस है उसी को ही फॉलो करूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ, तो कोई सा भी मैच हो तो मैं उसी माइंडसेट से और उसी डेंसिटी से जाता हूँ। पिछले मैच में हमने दोनों ने ऊपर से रेस्ट लिया कि ताकि जो हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले सारे को, और बड़े ज़रूरी था फाइनल मैच से पहले कि सबको एक लंबे तरीके से बैटिंग मिल सके। और अच्छा हुआ कि लास्ट मैच इतना अच्छा गया और इतना एंटरटेन हुआ लास्ट मैच से। और ऑफकोर्स क्या कहते हैं, इंग्लैंड का वेदर और यहाँ का वेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट थैंक्स टू आर ट्रेनर कि हमने अच्छी ट्रेनिंग करी हुई थी, और उस ट्रेनिंग की वजह से अभी शरीर हमारा चल रहा है, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हर एक उसकी बहुत, जैसे अगर आप देखें तो इंडियन टीम अब काफ़ी फिट हो गई है, पहले से कल्चर बदल गया पूरा हमारी टीम का, तो फिटनेस कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो करती है, चाहे वो आप गर्मी में हो या। और नॉर्थ से हूँ मैं तो 45 डिग्री 42 डिग्री में बचपन में काफ़ी खेले हैं, अभी इतनी आदत नहीं रही थी, पर पेट के लिए, पापी पेट के लिए आदत बना लेते हैं। नॉट रियली, बट ऑफकोर्स यू कैन सी लाइक देव गॉट नाइस स्पोर्ट्स स्टाफ एंड दे हैव बीन कंसिस्टेंट, दे आर वेरी गुड साइड, इवन नाउ सी दे प्लेइंग फाइनल एंड स्पेशली बैक एट होम, दे आर वेरी गुड साइड एट होम, इट्स टफ टू बीट बांग्लादेश इन बांग्लादेश right now, say you have seen they have proved it so many times, like all the overseas team comes and they are very strong over there, and that shows, I always believe that actions are more stronger than words, and they're showing by their performances that they have got so much better. And of course with time they have got experienced players in their side, they know the game, they know the strategies well, they know how to play under pressure, and I feel that they don't have that dilemma anymore of playing against big team or feeling the pressure, so they got used to it, which is a very good thing, very good for cricket. Even the way Hong Kong played against us, that was nice. You have to appreciate those teams, and you know, but vice captaincy ka koi load nahi pada, kaptan pe hai load sara, to main enjoy kar raha hu. Aur jo batting ka hai, जो मेरा तरीका है बैटिंग करने का, या वो सेम ही रहता है, चाहे मैं अगर कप्तान बनता भी हूँ, वाइस कप्तान हूँ या नहीं हूँ, तो मैं अपना वो तरीका नहीं, मैं अपना सक्सेस मंत्रा नहीं बदलूँगा उस चक्कर में। एंड जब आई एम एंजॉइंग माई परफॉर्मेंस एंड आई लाइक टू कैरी ऑन द सेम कंसिस्टेंसी और सेम परफॉर्मेंस इन द कमिंग मैच, होपफुली टुमारो, ऑफकोर्स वी गोना कैरी द मोमेंटम इन द फाइनल एंड वी गोना गिव अ बेस्ट शॉट टुमारो, इट्स अ बिग फाइनल फॉर अस, एंड
as I said, all the teams are quite competitive. Everyone was thinking it's going to be India-Pakistan final, but Bangladesh, you know, won a great match last night, and we cannot take Bangladesh lightly, because Pakistan is a bigger name, but they are playing better cricket. So, we say that कागज पे लिखी हुई टीम और एक जो अच्छा टीम जो कर रही होती है दोनों में फर्क होता है तो ग्राउंड पे कौन कैसा कर रहा है वो बड़ी टीम मानी जाती है कागज पे लिखी हुई टीम कभी बड़ी नहीं मानी जाती एंड दैट्स हाउ आई सी इट सो दैट्स विद सो वी गोना गो विद गुड मोमेंटम हम तो चाहेंगे कि भी पहले ओवर से ही हम विकेट निकालना शुरू करें और हमारे फास्ट बॉलर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं और अब जैसे जो हमारे स्पिनर की बात कर रहे हैं उनके मिडल ऑर्डर अच्छा करें तो हमारे जो स्पिनर्स है वो काफ़ी स्किलफुल है और जैसे कुलदीप है तो उसकी गुगली रीड करना इतना आसान नहीं है तो आई एम श्योर और दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं तो वो इवन फ्लैट ट्रैक पे भी टर्न कराते हैं तो वो एक बड़ी एडवांटेज हो जाती है हमारे लिए और या तो हम इसी स्ट्रेटजी से जाएंगे और अच्छा करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस का तो फ़ायदा ही होता है और यार अगर फ़ायदा होना होगा हो जाएगा नहीं होगा अपनी तरफ से जब भी मैं खेलता हूँ चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट खेलूँ या वाइट बॉल खेलूँ जितना मेरे अंदर दम होता है जितनी अंदर मेरी नॉलेज है क्रिकेट की बैटिंग की या मैं जैसे अगर इंग्लैंड की बात करूँ तो इतना जैसे मेरे लिए अच्छा नहीं गया जितना मैं अपनी एक्सपेक्टेशन थी अपने आप से कि मैं अच्छा करूँ नहीं गया बट आई वॉज हैप्पी इनसाइड कि आई गेव इट माई ऑल एंड वो दूसरे मेरे से अच्छी क्रिकेट खेल ले तो आई एक्सेप्ट इट इट्स देयर इज नो फॉर मी देयर इज नो शेम इन इट एंड उसके बाद वाइट बॉल खेलने आए तो जो मेरी प्रैक्टिस रही वो उसके लिए मेरे जो प्लान्स थे वो डिफरेंट थे वाइट बॉल के लिए ऑफकोर्स कि उसमें यहाँ की विकेट्स अलग है सिचुएशन अलग है तो उसके लिए आपसे मैंने अलग प्लान बनाए और उधर के लिए अलग प्लान बनाए तो कभी प्लान वर्क करता कभी नहीं करता तो नॉर्मल है मेरे लिए फॉर मी इट विल बी जिम विल बी good workout for me. I enjoy doing gym or even on a ground cardio session. So these things which we do or a pool session. So I keep mixing up with these three things. Yeah. I hope that Dubai becomes a fittest city and I would just say that jisko whatever it depends on the individual who if someone likes playing badminton or doing any activity they should enjoy it and love it. That's all. Then it will fulfill your डिमांड से अच्छा तो उससे पहले राइवल नहीं थे जब खेल रहे थे सिर्फ राइवल तो हमेशा रहेंगे चाहे वो बोले ना बोले क्या फ़र्क पड़ता है कल को खेलेंगे तो ऑफ द फील्ड दोस्त रहते हैं बट ऑन द फील्ड अब जो हमारा काम है वो तो करेंगे ही पूरा चाहे अब न्यूज़पेपर में आए राइवलरी नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं है जो करना है काम तो करना ही ऐसे ये नहीं था कि भी विराट नहीं है तो हमारे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है ऑफकोर्स ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिधर हम जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको मौका दे सकते हैं और जैसे जो मिडल ऑर्डर पे हमारे को और पता चल लग सकता है कि और कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमारे लिए लंबे सिरे तक खेल सकते हैं और क्या कहते हैं विराट हो या नहीं हो या जैसे मैं और रोहित हैं तो हम हर एक मैच को उसी हिसाब से खेलते हैं जैसे कोई अगर बायलैटरल सीरीज़ हो रही होगी या कुछ भी तो सेम एफर्ट सेम प्रोसेस रहता है और अच्छा लगता है कि रन बना रहे हैं और एज अ प्लेयर आई गेस कि कोई भी प्लेयर यही चाहेगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो हर एक मैच में अच्छा कर सके तो प्लेयर की तो हमेशा यही सोच रहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कि फोकस बढ़ जाता है आई गेस कि मालिक की मेहर है कि बड़े टूर्नामेंट में हो जाता है मेरे लिए ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई ये बड़ा टूर्नामेंट है बड़ा टूर्नामेंट मेरे लिए इंग्लैंड सीरीज भी बड़ी हो सकती है इस टूर्नामेंट से ज़्यादा तो वो सोच की बात है और जैसे मैंने बोला कि मैं अपने प्रोसेस ओरिएंटेड बंदा हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरा प्रोसेस है उसी कोई फॉलो करूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ तो कोई सा भी मैच हो तो मैं उसी माइंडसेट से और उसी डेंसिटी से जाता हूँ पिछले मैच में हमने दोनों ने ऊपर से रेस्ट लिया कि ताकि जो हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले सारे को और बड़े ज़रूरी था फाइनल मैच से पहले कि सबको एक लंबे तरीके से बैटिंग मिल सके और अच्छा हुआ कि लास्ट मैच इतना अच्छा और इतना एंटरटेन हुआ लास्ट मैच से और ऑफकोर्स क्या कहते हैं इंग्लैंड का वेदर और यहाँ का वेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बट थैंक्स टू आर ट्रेनर कि हमने अच्छी ट्रेनिंग करी हुई थी और उस ट्रेनिंग की वजह से अभी शरीर हमारा चल रहा है दौड़ रहे हैं